मत करिए डैड, गाड़ी रोकिए। नहीं नहीं ऋतु, नहीं तो फिर धीरे का फायदा क्या? अरे खाइए, वहां चलते हैं बस उसके बाद। अरे नौकरी से निकाल दूंगी, लेकिन अगर मैंने उसे निकाल दिया तो साफ जाहिर होगा कि मैं गिल्टी हूं। आपने बुलाया मॉम जी? हाँ प्रिया, ये इंस्पेक्टर है ना, बहुत ही बदतमीज आदमी है। क्यों, क्या किया उसने? कैसे कैसे बेहुदे सवाल करता रहता है, अनकल्चर्ड ब्रूट। क्या उसकी खता यह है कि वो इंग्लिश नहीं जानता? प्रिया तुम समझती नहीं हो, दुनिया चाहे माने या ना माने मेरी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मॉम जी, मैं नहीं जानती थी कि आप उम्र के कॉन्सेप्ट में भी बिलीव करती हैं। लेकिन सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता ना। देखो प्रिया, मुझे अब अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। I can't take these tensions every day। तो आप ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। तुम समझती नहीं हो, ऑफिस की टेंशन्स आर माय चॉइस, उसके लिए अगर मुझे कीमत भी चुकानी पड़े तो इट्स ओके। लेकिन ये एडेड टेंशन्स, राहुल का इस दुनिया से अचानक चले जाना, निकी का घर छोड़ के चले जाना, मैं मुश्किल से अपने आप को संभाल रही हूँ कि अब ये पुलिस इंक्वायरी। काम कम करते हैं, कीचड़ ज्यादा उछालते हैं ये लोग। मैं समझी नहीं। क्या फायदा प्रिया, भगवान है ना, मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन इस तरह बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ कर एक तरह से मैं राहुल को भुलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं उसे भूलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी, चाहे फिर वो मेरा अपना पिता ही क्यों ना हो। देखो देखो देखो, जिंदगी ऐसी चलती रहती है, ये नहीं रुकती। तू और मैं अगर आज मर जाते तो भी रुकती नहीं हमारे लिए, ये ऐसी चलती रहती। एंड दिस इज अ रूल। मरना इतना मुश्किल क्यों है डैड? व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? बिकॉज मरने में कोई उम्मीद नहीं है, कोई कल नहीं है। जीना कितना ही मुश्किल हो, उसमें कल होता है, उम्मीद होती है। लेकिन राहुल क्या? राहुल अपने आप नहीं मरा है, राहुल को मारा गया है। ऐसा तो प्रिया सोचती है। But that's true। सच है ये? सच है। हाँ? तुम चलिए। डैड, डैड, कहीं आपने तो... तेरी कसम विक्रम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन मुझे मालूम है किसने किया है। किसने किया है? और अगर आपको मालूम है तो आपने पुलिस में खबर क्यों नहीं की? पुलिस क्या करेगी, पुलिस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। पुलिस को खबर पड़ने से क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं, ये सब चीजें मत छोड़ो।
शेरी ये फाइल सिद्धार्थ को दे दो प्लीज. ओके. व्हाट्स रॉन्ग अनु? हेलो. हेलो, मैं विक्रम शर्मा बोल रहा हूँ. ओ हाय विक्की. एक मिनट, अनु विक्की का फोन. हेलो. हाय अनु, सिद्धार्थ है? नहीं, एनीवे हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ. अच्छा, सिद्धार्थ को एक मैसेज देना मेरी तरफ से कि मैं आउटडोर शूट पे नहीं आ पाऊंगा. तुम खुद ही कह देना. प्लीज अनु, मैं बहुत बिजी हूँ. बाय. शर्मा, आप? आप? क्या हुआ इंस्पेक्टर, बच्ची की अभी तक नहीं मिली? हाँ, बच्ची मिल गया. तो मिसेस सेठ ने कोई और इल्जाम लगा दिया? अरे नहीं, या तो मैं अपना इंटरेस्ट से आया. अच्छा, ये मेरा लड़का है विक्रम शर्मा. ये आपका लड़का है? हाँ, हम ही हैं वो. मिसेस सेठ को ये घर दिखता है. इंस्पेक्टर साहब, मेरी वर्कशॉप में कोई स्मगलिंग का माल छुपा हुआ नहीं है. हो क्या कुछ चाय ठंडा लेंगे आप? नो थैंक्स. अच्छा एक बात बताओ, ये मिसेस सेठ को आप पर इतना खुन्नस क्यों है? आप किसी को बताओ नहीं तो बताऊं. अरे क्या बात कर रहे हैं. मिसेस सेठ अपने आप को हूर की परी समझती है और मैं उसको भाव नहीं देता हूँ. जवानी खुंदक है. बाय गॉड. अब ये गॉड वर्ड को ना ही घसीटो आप हैवानों के बीच में. आप ये बताओ आप यहाँ आए कैसे? एक बहुत बड़ा पजल है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है. एक आध इंफॉर्मेशन चाहिए था. क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? आपसे नहीं, आपके लड़के से. मुझे तुमसे बात करनी है. क्या तुमने फिर से एक बार रिजाइन करने का सोच लिया? नहीं. फिर यूं बच्चों जैसे नाराज होकर क्यों बैठी हो? शेरी कम्स एंड गिव्स मी अ फाइल विच यू वर सपोज टू कम एंड गिव मी. अनु देखो, तुम्हें अगर मुझसे बात नहीं करनी है तो ठीक है, मत करो. बट डोंट बिहेव लाइक अ पैम्पर्ड स्पॉइल्ड चाइल्ड. आई एम नॉट अ चाइल्ड. चिल्लाओ मत अनु, ये तो ना तुम्हारा घर है ना ही मेरा. मैं चिल्ला नहीं रही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल. शेरी का काम है डिस्पैच करना, वही करे. क्या है अनु, व्हाट्स ईटिंग यू अप? तुम्हें पता है कल हम आउटडोर जा रहे हैं, एक फोटो सेशन है. क्या किया तुमने इस बारे में? You are in charge of publicity, है ना? Did you check the costumes? Did you arrange for a makeup plan? तुम्हें पता है हम लोग कैसे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं? करण क्या कर रहा है, विक्रम क्या कर रहा है, कुछ आइडिया है तुम्हें? एक तो मैं यहाँ पे पागल हुआ जा रहा हूँ. मीटिंग कैंसिल करानी है, रीशेड्यूलिंग है, काम कौन करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे. अकाउंट्स डिपार्टमेंट दिन भर सोता है और तुम? तुम्हें कोई एक लाइन बुरी लगी तुम उसे चिपक के बैठी हो बस. गेट गोइंग अनु. आई से गेट गोइंग. ये देखिए, ये 15 अक्टूबर की डेट है. इसी डेट को हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हुआ. तो दोबारा मिला कैसे? हमारी जगह जिसे ऑर्डर दिया गया था वो कैंसिल हो गया. क्यों? एयरलाइंस के एक स्टाफ मेंबर ने हमें बताया कि उनके जीएम ने उस ऑर्डर को पास कराने के लिए रिश्वत ली थी. क्यों? अच्छा वो स्टाफ मेंबर कौन है? नाम तो मैं आपको बताऊंगा नहीं. ओ, इंक्वायरी तो हुआ होगा, तभी तो दोबारा ऑर्डर मिला तुमको. अनऑफिशियल इंक्वायरी हुई थी. मैं प्रॉमिस करता है उस स्टाफ मेंबर को कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगा. और वैसे भी कितने किसने ब्राइब ली है उसमें मैं इंटरेस्टेड भी नहीं. तो आप किसमें इंटरेस्टेड? बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है. अजीब सी उलझन में उलझ गया हूं. इधर उधर के कनेक्शंस मैं ढूंढ रहा हूं. क्या ढूंढ रहे हैं? राहुल सेठ का मर्डर. Cloth, white satin, silver paper, cellophane, tamako. That is it. Okay.
ये क्या है? तुम पैकिंग बॉक्स में संभाल कर जाओगी? नहीं बाबा, ये तो मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ ताकि मुझे बाद में ज्यादा टाइम ना लगे. बॉम्बे टीचेस यू वन थिंग टू परफेक्शन एंड दैट इज द आर्ट ऑफ शिफ्टिंग. साक्षी, इतनी जल्दी की तो कोई जरूरत नहीं थी. अरे नहीं बाबा, मैं कंफर्ट की आदी बहुत जल्दी हो जाती हूँ. जितनी देर करूंगी उतना ही बुरा लगेगा जाने में. कहाँ जाओगी? हॉस्टल. मैंने एक कमरा देखा है, उसमें चार लड़कियां रहती हैं, उनमें से एक लड़की जा रही है, मैं वहीं रह लूंगी. वरी करो ना, आई विल बी ओके. ये क्या है? पेपर ग्लासेस, टॉर्च, स्टिक. ये हमारी पर्सनल लिस्ट है, क्या पता कब टॉर्च की जरूरत पड़ जाए. 32 आइटम्स. साक्षी तुम पागल हो गई हो? ब्लैंकेट? हम वहां होटल में रहने वाले, किसी मैदान में नहीं. ये मेरा पर्सनल लगेज है. औरतें पागल होती हैं, एकदम पागल. ठीक है, मैं पागल हूं, लेकिन एक बात याद रहे, इसमें से किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझसे मत मांगिएगा. अपना पर्सनल लगेज बांधते बांधते फोटो सेशन का सामान मत भूल जाना, समझी? सर, मैं किचन में कुछ बना लूं या अनु? बना लो, आई विल टॉक टू अनु. सर, आपने अपनी पैकिंग कर ली या 7 दिन एक ही ड्रेस में? मैं कोई मॉडल नहीं हूं आपकी तरह. ये लीजिए. ये क्या? आपकी लिस्ट. डबल चेक कर लीजिए, दीज आर एसेंशियल्स. ओह माय गॉड, बाथरूम स्लीपर्स, मैं तो भूल ही गया था. थैंक्स अ लॉट. औरत तो पागल होती है ना सर. साक्षी, यू आर अ हैप्पी पर्सन, हमेशा ऐसे ही रहना. तुमने पैकिंग कर ली? हाँ. साक्षी ये घर छोड़कर जा रही है, अब खुश? उसकी जरूरत नहीं है कारण. चलो एक बात तो तय हो गई. क्या? मुझे हमेशा से ये लगता था कि तू मुझसे प्यार करती है या नहीं. तो अब मुझे यकीन हो गया कि तू मुझसे प्यार करती है. बिकॉज यू आर जेलस ऑफ साक्षी. यू एंड योर इडियोटिक थ्योरीज कारण. एनीवे, उसके आंसू पोंछने के लिए रुमाल वगैरह खरीदा या नहीं? सॉरी, हाउ शी टेकिंग इट? उसे कोई फर्क पड़ा? पड़ा. उसके लिए सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि उसे रीपैकिंग करनी पड़ेगी. बहुत बुराई की होगी मेरी. नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा. आई थिंक उसने खुद ही गेस कर लिया. स्टॉप इट करण, शी इज ऑलमोस्ट साउंडिंग लाइक अ गॉड टू मी. अनु, तू इतनी बिटर क्यों होती जा रही है? I think it's much more than Sakshi. Try and find out. नहीं तो तुम घुटती रहोगी और चिड़चिड़ करती रहोगी. सिद्धार्थ का होगा आपके लिए. Stop it, Karan. And for heaven's sake, सिद्धार्थ के सामने ये मजाक मत करना. देखो, मैंने उस दिन के लिए सॉरी कह दिया था. आई ओवर रिएक्टेड एंड आई एडमिटेड. अब तुम क्यों नहीं एडमिट करती कि तुम भी ओवर रिएक्ट कर रही हो? The compliment, but I feel this campaign is going to be a big fiasco. You just relax. Risk main le raha hu. You just think of it as an holiday. Can I talk to Anu, Sakshi? Yeah, sure, Siddharth. One second. Anu, Siddharth for you. Hello. Hello, Anu. Do you want me to give you a wake-up call? Hum log kal subah 6 baje tak niklenge. Siddharth, shayad tum ye bhool rahe ho ki main ek tracker reh chuki hu. और मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है. तो ठीक है, तुम्हें मुझे वेकअप कॉल दे देना. आजकल एमटीएनएल ये काम करता है. मतलब तुमने सोच के रखा है कि तुम मुझसे नाराज ही रहोगे? नहीं, मैं बस एक्स्ट्रा फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं कर रही. तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं अपने आप को तुम्हारे ऊपर इम्पोज कर रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा. अनु, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कांट यू बी नॉर्मल? मैं ऐसी ही हूँ, इनसेंसिटिव, अनप्रोफेशनल, कंजर्वेटिव, पैनिक स्ट्रिकन. बस ये काफी है, और भी कुछ सुनाओ. गुड नाइट. आज के नहाने का आइडिया.
और ना पीजे, मेरा मतलब है सोएंगे तो उठना भारी पड़ेगा और चार बजे तो बहुत भारी पड़ेगा। तो फिर क्या करें? पूरी रात ताश खेलते हैं। That's not bad. That's very good. Okay, मैं हमेशा समझता हूँ तुम basically बहुत बेवकूफ लड़की हो। तूने notice ही नहीं किया कभी? Very nice. हाँ, बहुत है। Smarter than you think. Okay, and then that's not bad. That's very good. Okay. ताश कहाँ है? मैं लाता हूँ। हाँ, और मैं चिड़पिड़ खाने की चीजें। अनु नहीं आ रही हमारे साथ? ना आ रही है बहन जी। ये साल भर का एक साथ तो नहीं ना आ रही है? पता नहीं। हाय 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 साक्षी, खाता लिया तुमने? जी सर, फिर भी एक मिनट, मैं लिस्ट चेक कर लूँ जरा। अरे छोड़ो, अभी लिस्ट देखने का टाइम नहीं है, ऑलरेडी लेट हो गए। अरे रिलैक्स करन, जरा भी श्योर। अरे भाई जिस काम के लिए जा रहे हैं अगर वो ही नहीं हुआ तो जाने का क्या फायदा? मेरे नाने का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा? करन लॉक चेक कर लिया? ठीक है, मैं डबल चेक कर लूंगा। सर मैंने वो एक लाइट ऑन छोड़ी है, उसे प्लीज बंद मत कीजिएगा। ओके। एंड एक मिनट, वन मिनट। नहीं ठीक है, बाकी सब ठीक है, सॉरी। देखा हाउ ऑर्गेनाइज्ड साक्षी इज। लेकिन उसने घर की एक लाइट खुली क्यों छोड़ दी? क्योंकि घर इतने दिन बंद रहेगा और खाली घर में अंधेरा अच्छा नहीं लगता ना। साक्षी तुम सिद्धार्थ के साथ आगे बैठ जाओ, मैं अनु के साथ पीछे बैठूं। इट्स ऑलराइट करण। अगर हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो फिर हम झगड़ा कैसे करेंगे बहना? की चिंता मत कीजिए, चिंता चिंता समान जो तुमको आंसू दे तुम उसको दो मुस्कान। हंसी है ऐसी चीज जिस पे कहीं नहीं है रोग। जोक सुनो भाई, तो एक कान में यार जोक्स बाद में। पहले मैं तुम लोगों को डरा दूं? कैसे? मतलब जिस जगह हमने रिजर्वेशन कराई थी वहां पे हमारी बुकिंग नहीं हुई। फिर हम रहेंगे कहां? खुले आसमान के नीचे। आई टेकन सम टेंट्स। अरे लेकिन बड़ी ठंड लगेगी यार। ठंड की बात नहीं है, लेकिन ये हुआ कैसे? किसी को ऑफिशियल लेटर देने को कहा था और किसी ने दिया नहीं। That's really bad. उसे नौकरी से निकाल दो। निकाल दो? क्या कहती हो अनु? उस पर एहसान ना ही करो तो अच्छा। अब इस बैड न्यूज में मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देती हूँ। How about पराठास? पराठास? Wow. ये तो मिरेकल हो जाएगा साक्षी। मिरेकल? Down name is साक्षी। क्या पराठे है बॉस? मुझे नहीं पता था साक्षी इतने अच्छे पराठे बनाती है। Very nice. लेकिन अनु still not interested in पराठास। सही अनु तुम्हारे लिए। थैंक यू अनु। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक यू बीन फेयर विथ मी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम पर नाराज ही नहीं हो पाती हूँ। आई लाइक यू अनु, एंड यू नो समथिंग, लाइफ इज नॉट सच अ सीरियस प्रॉब्लम कि तुम उसे सुलझाती रहो। इट्स अ ड्रीम, इट्स अनप्रेडिक्टेबल, जस्ट हैव फन, जस्ट एंजॉय इट। साक्षी यू आर अमेजिंग, क्या टेस्टी पराठे बनाए हैं। अब अपना सरप्राइज पेश करूं? वाओ जलेबी, सुबह 3 बजे उठ के बनाई है। वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, ये खाइए। मैं खाता नहीं। मैं फुल है ना। नाइस ना। हाय, दिस इज 8899300, सॉरी वी कांट टेक योर कॉल राइट नाउ। Leave your name, number and message after the long beep. We'll get back to you as soon as possible. Bye and thank you. Hi Richa, this is Richa calling from Paris. Kaisi ho tum? Maine socha tha tum ghar par milogi, lekin tum to gayab ho.
लगता है तुम बहुत बिजी हो। पर्सनली आकर देखना पड़ेगा कि तुम इतनी बिजी हो कहाँ। लेकिन चाहे जितनी भी बिजी क्यों ना हो, मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आना ही होगा। गाइड को जरूर साथ लाना। एयर फ्रांस फ्लाइट नंबर MN